तो आप क्या कहना चाहते हैं कि इसके मसाइल, जो एक बहू की जो गलतफहमी है कि उसने बड़ी जिम्मेदारियां लेना, वो एक माँ बनने वाली है, बीवी बनने बड़ी जिम्मेदार हो गई, वो घर नहीं है जो पहले जो गैर जिम्मेदार थी उसमें, यहाँ पर जिम्मेदारियां हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक औरत जो है वो पहले बेटी होती है, फिर ज़ाहिर शादी के बाद वो बीवी होती है, फिर आगे उसे फिर माँ भी बनती है। डॉक्टर साहब, एक कॉल होल्ड पे है, एक कॉल लेता है, फिर बात करते हैं इस पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। जी, कौन बात करें, कहाँ से? मैं जी, क्या कहना चाहते हैं आज के प्रोग्राम में? जी, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, शादी तलाकें और ये मसाइल ऐसा है कि जो शादी और तलाकों में मसला आता है, इससे तो एक थोड़ा सा ये ना टेंशन में मसला होता है लोगों को, सही। आप अगर टेंशन हो रही है कि वो टेंशन जो है ना दूर की जा सकती है, सही सही सही, समझा के रहिए, वो समझा दूर की जा सकती है टेंशन। वो आपने समझा की हुई है ना, समझा मैंने किया हुआ, मैंने 1-2-4 किया दिल्ली में भी, माशाल्लाह माशाल्लाह, दिल्ली में किया था मैंने, ये कभी के सेंट्री में जो ना ये जी, और ये बड़ा अच्छा फील मिला मुझे। सर, एक दोस्त था, उसे एलर्जी थी जी, उसके घर पे था ना, जाने जाने हुए रहते, पूरे जिसम उसका सूजा हुआ था, सही सही, उसे मैंने कहा नहीं की है मैंने, और उसे मैंने कहा तुम ठीक हो गए हो जी, तो वो आग जो है उसके पाँव को भरम, हाथों को भरम, और खाली हल्की कमर में 20% तक खाली जा रही है, मैंने कहा ये भी अपनी रोजी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। घर में रिजल्ट किया तो मुझे आज सुबह ख्वाब लिया ना, मुझे मैं ख्वाब आया मुझे, सही, तो जो चीज़ें वहाँ पर थी वो मेरे को आई अटैक कर ली, वो कहती हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपने हमें हमें घर बेघर किया जी जी, कहा आप लगा कोई भी दिला सकते, आप मेरे कई सवाल देखो, वो तो मैंने कई मांगी की है, तो उन्होंने कई मांगी बोली की है, दरवाजे क्या करे बोली की है, तुम्हें लगा झटका, तो वो बाकी हो माशाल्लाह माशाल्लाह। आज फिर आपके घर आऊंगा, फिर आगे मैं बिल्कुल माशाल्लाह, वाह क्या बात है, क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास पॉजिटिव पावर है, मशफुल मखलूकात है, ताकतवर है, कोई नेगेटिव फोर्स हमें हैरान नहीं सकते हैं, कोई नेगेटिव फोर्स हम पे असर नहीं कर सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी अच्छी बात कही आपने, बड़े एनर्जेटिक, बड़े पावरफुल बात कही। इसी तरह तलाक और शादी की जो मसाइल है, वो भी अपनी जगह आ सकते हैं, इसके लिए भी कोई धमकी है कि नहीं? सही सही सही, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात, मेरी भी कोशिश ये है कि मेरा 15-20 आ गई है ना जी, सही है सही है सही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बस सदका दें, और बहुत ऐसे जी, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, अल्लाह अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाएँ, और हमारे दुआएँ हैं, और ज़्यादा इलम अता फरमाएँ जी। पे कह रहे थे क्या, तो इसलिए कि औरत अगर जो है इन मामलात में थोड़ा खुद भी कुर्बानी दे, नया माहौल है उसमें एडजस्ट होने की अगर कोशिश करे, फिर उसके अलावा जो है कि सास जो है उसे भी जहन में ये रखना चाहिए कि अगर उसके घर भी बेटियां हैं तो उन्होंने भी कहीं बहू बन के जाना है, तो ये सब चीज़ें जो है मुस्बत, यानी एन जो उसका मुस्बत और अच्छे ख्याल, सादगी और कोऑपरेशन, तो ये चीज़ें अगर जहन में रखी जाए तो इससे बहुत सारे जो हमारे मसाइल हैं
تو وہ حل ہو سکتے ہیں. اس میں اگر جو ہے میڈیکل سائنس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سنڈا ہیلنگ انرجی جو ہے اس کے ذریعے ہم ایچ ایم ایف کے ذریعے جو ہے تو اچھے اور مثبت خیالات جو ہے کو ہم حاصل کر سکتے ہیں, پہنچا سکتے ہیں. بالکل صحیح. تو دیکھیں دو ذہنوں کے ہم آہنگی کو کیا کہتے ہیں, دو ذہنوں کے ہم آہنگی کیسے ہوتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں آپ کے دو ذہنوں کے ہم آہنگی کیسے لائے جا سکتے ہیں؟ اصل جب تک ہم آہنگی دو ذہنوں کے درمیان نہیں ہے تو پاسبل نہیں ہوتی ہے زندگی گزارنا. تو یہ آمانگی جسے کہتے ہیں کہ دو ذہنوں کے درمیان آمانگی ہوتے ہیں, مائنڈ ملتے نہیں کبھی, یہ جو فیس بک پہ بچے بات کرتے ہیں یا کوئی مائنڈ نہیں ملتے ہیں ہمارے, کوئی کہتا ہے ہمارے مائنڈ اتنا ملتے ہیں کیا ایک دوسرے کے اس طرح جڑے ہوئے ہیں لیکن ماں باپ نہیں مانتے کہ آپ لوگ شادی کر لیں. ڈاکٹر صاحب اس کا حل بتائیں. ڈاکٹر موہت صاحب آپ کو بتا دیں. بیسکلی سر بات یہ ہے کہ ہم سے امانگی کرتے ہیں نا جی, وہ اعتماد اور صبر اور تحمل. اصل میں یہ ہے وہ امانگی, اصل میں امانگی اس وقت پیدا ہوگی جب ایک دوسرے پر لوگوں کا اعتماد ہوگا, خاص طور پہ جب شادی کے معاملات ہوتے ہیں تو شوہر کا بیوی کے ساتھ اور بیوی کا شوہر کے ساتھ اعتماد کا جو رشتہ ہے وہ اصل میں اتنا قائم نہیں ہوگا. ان کے درمیان ایک کاغذی اور ویسے تو لکھے گا رشتہ تو قائم ہو جائے گا لیکن وہ ذہنی امانگی کا رشتہ قائم نہیں ہو سکے گا. اور سر اور جب اعتماد کے رشتے کو قائم کرنے کے لیے دوسری چیز ہے صبر تحمل, کیونکہ اصل میں ہوتا یہ ہے انسان کہ آپ نے بھی عرض کیا دیگر لوگوں نے بھی عرض کیا کہ گھر کے اندر بہت ساری نامواریاں ہوتی ہیں, بہت ساری مطلب ہے کہ معاملات ڈفرینٹ ہوتے ہیں ایک گھر کے اندر, ان کے رسم رواج ٹریڈیشن کسٹمس ویلیوز ڈفرینٹ ہوتی ہیں, لڑکے والوں کے معاملات بھی بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں. لیکن اگر اسی وقت مطلب ہے ان چیزوں کو یعنی آپ کا مطلب ہے معاملات مسائل الگ الگ ہوتی ہیں, بالکل الگ ہوتے ہیں اور ان کو اسی وقت مطلب ہے کہ تربیت پہ الگ ہوتی ہے, بالکل الگ ہوتی ہے سر. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ معاشرہ بھی کبھی الگ ہو جاتا ہے. بالکل. تو جو مثال کے طور پہ اگر ایک لڑکی پنجاب کی ہے اور ایک لڑکا سندھ کا ہے تو فرق ہے تھوڑا بہت, ایک لڑکا جو ہے نا ادھر کا, لیکن بات یہ ہے کہ کس طرح جنہیں ہم آئیں گے سمے کہا سر اس میں دیکھیں یہ ہے بالکل ہمارے معاشرے سے باہر ہے کہیں اور ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے معاشروں میں آپ شادیاں کر لیں, مثال کے طور پہ کئی دوسرے گورے ہیں ہمارے پاس, کوئی کسی نے امریکہ میں شادی کی یا یورپ میں کی یا مقصد آسٹریلیا میں کیے یا جاپان میں کیے یا چین میں کیے کسی نے شادی ہے پاکستانی یا رشیا میں کیے کئی شادی کیے یا وہ سائبیریا کے سائڈ پہ ادھر کے رسم رواج بالکل الگ ہوتے ہیں. وہاں پر جو ہے نا وہ عمل نقل بھی عجیب سے ہوتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ ذہنی ہمانگی ڈاکٹر صاحب کیسے کریٹ کیا جائے, یا انیل صاحب بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بیسک چیز یہ ہوتی ہے سر کہ جب کوئی لڑکی شادی ہو کے کسی گھر میں آتی ہے تو اس گھر کا پہلے سے ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے, ایک ریلیشن شپ چل رہی ہوتی ہے, کیسے اٹھنا بیٹھنا کھانا آپس میں سارے معاملات. اس میں جب کوئی لڑکی آتی ہے تو اس کو اصل میں وہاں اس جگہ اپنی جگہ بنانی ہوتی ہے, تو ایڈجسٹمنٹ جو جس کو کہتے ہیں کہیں جا کر کرنے کا کام وہ سب سے زیادہ لڑکی کو کرنا ہوتا ہے. اور قدرتی طور پر اللہ نے ایک لڑکی میں صلاحیت رکھی ہوئی ہے کہ وہ جب کسی جگہ جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈھال لیتی ہے. جو لوگ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ان کی شادی ہمیشہ کامیاب رہتی ہے اور قائم رہتی ہے, لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس گھر میں جا کر میں نے چینج لانا ہے انقلاب لانا ہے تو اس کا ایک میاں سے نہیں پوری فیملی سے ٹکراؤ ہوتا ہے. ایک زبردست بات ہے. ایک کال ہولڈ پہ. السلام علیکم. اچھی کون بات کر رہی ہے کہاں سے؟ جی جی کیا کہنا چاہتے ہیں پروگرام میں؟ اچھا بالکل آپ کو بتا دیں گے, بالکل بتا دیں گے آپ کو. اور کچھ سوال؟ بیماری وغیرہ ہوتی ہے یا کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سنا ہے کہ آپ کا, میں نے آپ کی بھی دیکھا تھا جی جی علاج اس کی وغیرہ سے ہوتی ہے جی ان شاء اللہ. بہت شکریہ, بہت آپ کو بتا دیں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو.
बड़े अच्छी बात कही आपने। अच्छा इनको बता देना, एक्सप्लेन करें कि समदा ये चीज़ें क्या होती है। जी सर, समदा जो है वो एक ऐसा तरीक़ेकार है हीलिंग एनर्जी का, जो हमारी माशरती मसाइल को, हमारी जिस्मानी बीमारियों को और उसके अलावा हमारी ज़हनी बीमारियों को, सबको जो है वो बहुत आसानी के साथ और बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के जो है वो दूर कर देता है और मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर दूर कर देता है। इनका यही सवाल था ना? जी सवाल तो बात हो रही थी हमारे तलाक के बारे और शादी जी, कि किस तरह के एक नए एक लड़की जाती है, एक लड़की जो है ना वो जाती है घर में और आप फरमा रहे थे कि उन्होंने एडजस्टमेंट करने है, लड़की नहीं, ज्यादा काम ज्यादा हिस्सा उसका होना चाहिए, होता ही है यही, क्योंकि वो एक जिस जगह आई है शादी होके वो उसका वहाँ का एक अपना माहौल है, एक अपना रस्म रिवाज है, अपना तरीक़ेकार। अच्छा, है आप क्या जानते हैं कि इस तरह के जिस तरह के हनीफ साहब ने कहा, डॉक्टर साहब हनीफ साहब ने कहा कि मिसाल के तौर पे उन्होंने लड़की को एडजस्टमेंट करनी पड़ती है ज़्यादातर यानी उन्होंने थोड़ा सा उस पर भी दामाद पर भी डाला, तो आप बताएं दामाद को क्या करना। माशाल्लाह इनका सवाल अपनी जगह बहुत अहम है और जवाब भी मैं समझता हूँ मुनासिब है, तो थोड़ा मैं समझता हूँ कि बराबर का अगर बराबरी की बुनियाद पे भी अगर तवज्जो दी जाए, एक दूसरे पे एतबार मोहब्बत और खुरू जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है, बामी एतमाद जो है तो वो जब ही पैदा हो जाए, आपस में मोहब्बत और खलूस का रिश्ता हो, कुर्बानी देने का जज्बा पैदा हो जाए, तो इनसे भी फिर बहुत सारे मसाइल हम हल कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, बाहमी हम आएंगे, लेकिन जो ये देखे अब बहू, अब जो है ना चलो भाभी समझ ले, भाभी घर आई और हमें उनके हर चीज़ जो है ना डिफरेंट लगते हैं, माशरा डिफरेंट है और वो जो है ना इतना डिफरेंस है हमारे दरमियान कि उनकी ज़बान भी डिफरेंट, ज़बान की हर चीज़ की डिफरेंस है, मोहब्बत की एक ही ज़बान होती है। हाँ तो ज़बरदस्त बात है, क्या बात है, वाह, ज़बान मोहब्बत की एक होती है और सलूक रस्म रिवाज सब एक हो जाते हैं मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत से कुछ ठीक है, हर चीज को जीता जा सकता है। तो बहू को चाहिए और दामाद को, दोनों को चाहिए कि मोहब्बत करें, मोहब्बत एक दूसरे के ना एक दूसरे के साथ बल्कि आप अपने इर्द गिर्द अपने खानदान वालों के और एक दूसरे के खानदान वालों के साथ जब आप मोहब्बत करते हैं तो इसी ज़हनी आमंगी कैसे। हाँ सर, सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि जो आने वाली लड़की है उसी को मतलब है कि इस बात के लिए मतलब है कि तैयार किया जाए कि सिर्फ वही घर का इत्राम करे, रस्म रिवाज के मामलों को बेहतर करे, बल्कि जो लड़का है उसको भी उनके जो यानी जो लड़की के खानदान वालों के मामलों को, चीज़ों को, उनके साथ उनके उनके अंदर रस्म रिवाज को उसी तरीके से ट्रीट करेंगे तो यकीनन मतलब मांगी भी पैदा हो जाएगी और उनकी मुश्किलें भी हल हो जाएंगी। अगर वो ये होगा कि नहीं सिर्फ यानी वन वे अगर ट्रैफिक चलेगी सिर्फ लड़की ही मतलब है कि तमाम काम अंजाम दे और तमाम मतलब मुश्किल परेशानियों को खुद ही झेलती है और जो लड़के वाले हैं या लड़के के खानदान वाले हैं वो मुराद ये कि इस मामले के अंदर कोई पार्टिसिपेट ना करें तो माशरे में फिर वो मांगी नहीं आएगी। हाँ इसको आप ये कहिए कि जब दो माशरे मिलेंगे, दो मुख्तलिफ उनके ट्रेडिशन होंगे, दो मुख्तलिफ नॉर्म वैल्यूज होंगी, उनके रस्म रिवाज होंगे, तो यकीनन एक नया मतलब है कि माशरा भी मतलब तश्कील पाएगा। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बेसिकली है, जहाँ मतलब मेडिकली तौर पर यानी कि ज़हीन औलाद पैदा होगी, बीमारियों से मुबर्रा औलाद पैदा होगी, उसके साथ एक ये चीज़ भी पैदा होगी माशरे में एक नया माशरा जन्म लेगा। जब ये नहीं होगा कि यानी कि अगर एक सिंध के या पंजाब के लोग हैं तो बिल्कुल कन्फाइन होकर कुएं के मेंढक बन जाए और तमाम चीज़ें वहीं रहें, बल्कि उनके जो रस्म रिवाज हैं उनकी चीज़ें उनसे तीसरा मतलब माशरा वजूद में आता है और उससे वो जो जुबान रस्म रिवाज उनका पहनना ओढ़ना खाना पीना जो है वो मिलेगा, तो यकीन एक इंटरनेशनल मतलब है कि लोगों के दरमियान मानगी पैदा होगी, लोगों में मोहब्बत के रिश्ते कायम हो जाएंगे, लोगों के अंदर जो है ना सब्र ज़ब्त नज़्म पैदा हो जाएगा, तो ये असल में उसके पीछे मतलब बैकग्राउंड होना चाहिए। Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 a.m. and repeat at night at 1 a.m. Learn HMF, Human Magnetic Force, the world's most successful formula.
learn world most powerful healing energy samdha, attend my seminar in Lahore, Islamabad and Karachi. Heal and control all incurable disease through natural way of healing and connect with the nature. Control and enhance your mind power through natural way of healing with no side effects. For more info, call us and read my books and visit www.zealsciences.com and samadmusafir.com and watch my all program on YouTube and join our groups on Facebook. Join us and connect with the nature.